वेलकम टू वीएल मेमोरियल स्कूल। दिस चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, सो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। मेमोरियल स्कूल के इस चैनल पे हम इसमें जानेंगे कि जो भी वीडियो अपलोड होता है वो कहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे अपलोड होने के बाद से आपको जो भी वीडियो होंगे उसका वीडियो के इस लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप क्लास वाइज इस वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो क्लास वाइज के लिए आपको क्लिक करना होगा प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद से आपको इस तरह से क्लास सेवन्थ के मैथ और इंग्लिश ग्रामर सिक्स सेवन्थ एट जो कि एक ही में पढ़ाया जाता है, उसके बाद से फर्स्ट टू एट से कंप्यूटर है, कंप्यूटर इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से आपका सिक्स का मैथ है, फिफ्थ का मैथ है और जो भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे इस प्लेलिस्ट के माध्यम से उस क्लास के उसमें सभी आपके सब्जेक्ट मिल जाएंगे। उसके बाद से हम जानते हैं यहाँ पे अबाउट के बारे में। तो अबाउट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑल स्टूडेंट पीपल एंड यूट्यूबर वेलकम टू वीएल मेमोरियल स्कूल, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। यहाँ पे आपको मैथ इंग्लिश साइंस कंप्यूटर आदि सभी कोर्स को ऑनलाइन व ऑफलाइन पढ़ाया जाता है। इसमें आपको डेली 9 AM जो सुबह में 9 बजे आपको जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं इस तरह से, उसके बाद से यहाँ पे जो बेल जैसा आइकन है इस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं। तो जो भी वीडियो इस पर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, ऑन कर दिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएल मेमोरियल स्कूल दोसरा काही पावर हाउस गोरखपुर। Yesterday, I have taught you about the sentences. Today, I will teach you the parts of sentences. Parts of sentences. We know that every sentence has two or more than two words. One is subject and second part is called predicate. Means, हिंदी में आप सुने कि वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह भाग सब्जेक्ट कहलाता है और सब्जेक्ट के विषय में जो चीज कहा जाता है वो भाग हम प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं उसको। अर्थात फॉर डिफिनेशन यू कैन राइट इट दैट व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट और हु इज सेइंग इज सब्जेक्ट पार्ट। द टू पार्ट्स सेंटेंसेस फर्स्ट इज सब्जेक्ट पार्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट व्हाट इज सब्जेक्ट व्हाट वी से About is called subject. What is said about predicate. What we say about is called predicate.
subject. As Ram is going to Lucknow. Now we are seeing here that Ram, the action is doing by Ram. So Ram is the subject part. Here Ram, here subject part. Because the action is done by the Ram and is going to Lucknow. These are the predicate part. This predicate part. Also we can see it is raining. Heavy. It is a subject and is raining heavily is a predicate. Now we can divide the subject. We can divide the subject also. Determiners, main subject and the adjectives also, adjective phrases also included in the subject part. As I am telling about the subject, you will see. A good boy. Boy, who is standing in front of the door is my brother. Now you see. A good black boy who is standing in front of the door. This all things will include in subject part. Because वह लड़का जो दरवाजे के सामने खड़ा वह अच्छा लड़का काले रंग का जो दरवाजे के सामने खड़ा है वह मेरा भाई है. तो खाली उस लड़के के बारे में जो बताया गया is my brother. तो we include only this part is as a predicate. And this all part are in subject because adverbial clauses, determiners, and the main subject is the boy. But this is the adjectival phrases and some determiners are used. So this all part are in the subject and is my brother is only said about the boy. So is boy is the predicate part. But this is two part only. Subject part and predicate part. आप कुछ sentence दिया जा रहा है जो आप subject और predicate part को आप अलग अलग करके आप subject को बनाएंगे. इसके अलावा book उपलब्ध है विद्यालय पर. जो बच्चे book को लेना चाहें वो विद्यालय से संपर्क करके अतिशीघ्र book को ले लें जिससे कि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके. Homework. He is. He is not eating mangoes. Second,
they are cricket. Sita is singing a song. A good boy. A swimming in the river. And fifth, I went to Agra to see Taj. The five sentences are given. You have to segregate the subject and predicate part. And you will complete your homework.